Hi everybody. If you want, if you want the best this word has to offer, if you want the best this word has to offer, offer the word your best. Offer the word your best. The word will give you all the best things in life. If you want the best this word has to offer, first offer the word your best. Your best.

ये एक पीवीटीजी है पीवीटीजी का फुल फॉर्म बताइए और इंडिया में कितनी पी हैं आंसर डेमोग्राफिक ट्रैप क्या होता है जब हाई फर्टिलिटी रेट है बर्थ रेट ज़्यादा है मोर्टैलिटी रेट कम है डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से होती है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देन देन क्वेश्चन नंबर फोर है द प्रोक्यूपाइन डॉक्टराइन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू वॉट सो इट इज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर ताइवान और चाइना का फाइट होता है तो दिस इज अमेट्रिक सो लाइक अ प्रोक्यूपाइन जब वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड जो डिफेंस के लिए कंट्री फाइट करेगा दैट इज प्रोक्यूपाइन जैसे प्रोक्यूपाइन होते हैं कांटे प्रोक्यूपाइन डॉक्टराइन स्ट्रेटेजी ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर

India's first World Heritage City status was accorded to which of the following city by UNESCO? World Heritage status. Mission Karam Yogi News Meta. It is related to which of the following? Mission Karam Yogi. Then, next is among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last five years? Largest exporter of rice in the world in the last five years. फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द्यूमन बॉडी बी सेल एंड टी सेल इन द्यूमन बॉडी सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है एडवेंट एडवेंट का मतलब होता है आगमन द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन थिंग और इवेंट लूमिंग क्राइसिस है उभरता हुआ इमर्ज अपियर ताइवान क्राइसिस लूमिंग क्राइसिस अवांछनीय अनबल अन कर्तव्य का त्याग द स्टेटिडेटेड फैलेबल का मतलब है दोष क्षम कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स बी एरोसो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टूडेम्रॉस एनी अदर इंपोर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है टाइम्स हम शब्दों का चुनाव करते हैं वो शब्द बड़े इनअप्रोप्रिएट होते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं सो ऑलवेज लर्न चाहे आप वो रीजनल लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश है अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग रखिए और सटीक शब्दों का प्रयोग करिए सटीक भाषा में विविधता होनी चाहिए शब्दों की वोकैबुलरी स्ट्रांग होना जरूरी है दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली इन बट इंटरव्यू एज वेल इवन जीएस पेपर टू आरसी में भी आपको बहुत मदद करेगा सो लैंग्वेज प्रोफिशियंसी इज जरूरी रोज हम दो सवाल आरसी के करते हैं ट्राई टू आंसर दीस क्वेश्चन ये आपको लास्ट मिनट रश से बचाएगा मैं इतने सालों से देख रहा हूँ इतने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ उनका अटेंशन डिवाइड हो जाता है जब एग्जाम आता है हाफ ऑफ द एनर्जी जीएस पेपर टू में लग जाती है तो व्हाई नॉट यू डू लिटिल बिट एवरी डे सो लास्ट मोमेंट में जीएस टू के लिए आपको पैनिक एंड टेंशन नहीं होगा सो सॉल्व दीज टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन ट्राई टू आंसर देन दिस इज न्यूज पेपर वीडियो और आज हम दिस ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट का भी आंसर राइटिंग का रिव्यू करेंगे द एंड ऑफ दिस वीडियो आज आंसर राइटिंग का ऑफ है नेक्स्ट डे से हम इसको फिर से रिज्यूम करेंगे सो दिस इज विल रिव्यू ऑल योर सबमिशंस टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो देन एक जो न्यू एक्सरसाइज अभी स्टार्ट होगा वो होगा मीन्स बैच के लिए ये कुछ पाँच सौ हजार से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन सोसाइटी पॉलिटी एक्सेट्रा के इसकी एक्सक्लूसिव हम टेन फिफ्टीन डेज की क्लासेस एक सेशन कर रहे हैं और ये सारे टॉपिक्स पिछले एक डेढ़ साल के हजार से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम क्विकली यहाँ पे कवर करेंगे ये जो होगा ये स्पेशली मेंस बैच के लिए होगा यूट्यूब में वीडियोस नहीं होंगे ये मेंस बैच 2022 के लिए एक्सक्लूसिव होगा गूगल मीट सेशन पे इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स यू कैन विजिट दिस वेबसाइट एंड ज्वाइन द फी इज ओनली रुपीज डबल वन डबल वन ऑल राइट सो नाउ लेट लेटेस्ट कम टू द हिंदू न्यूज जो फर्स्ट न्यूज है आज संडे भी है आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं कोविड ओवर हो रहा है स्टूडेंट्स थोंग कोचिंग कैपिटल तो ऑफलाइन कोचिंग कैपिटल जैसे यहाँ पे कोटा का एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशंस एटसेट्रा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं सी कोचिंग के बारे में अगर हम बात करें तो कोचिंग इज नॉट बैड कोचिंग इज नॉट बैड कोचिंग से क्या होता है सम बडी हुक्सपीरियंसड उसको एक्सपीरियंस है रियल टाइम बहुत सारे स्टूडेंट से या फिर इस फील्ड में उसको नॉलेज है तो वो अपना एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करता है तो इससे आपको बेनिफिट होता है इससे आपका टाइम सेव होता है खुद जाके मिस्टेक्स करना फिर सीखना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम तो दैट इज़ वाई कोचिंग इज़ नॉट बैड कोचिंग हेल्प करती है देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कोचिंग हेल्प करता है बट एक चीज़ और हमें समझना चाहिए जैसे आई हैव टॉक टू हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक जो मेन्टेलिटी अक्सर आ जाती है वो ये होती है कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया अब सारा काम हो जाएगा हमारा इट इज सिमिलर लाइक कि जनवरी फर्स्ट को बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं एंड अब एवरीथिंग गो राइट ऐसा नहीं है आपको साइमल्टेनियसली अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा यू हैव टू बी रेगुलर यू विल हैव टू वर्क हार्ड यू विल हैव टू वर्क हार्ड देन ओनली ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं बिकॉज इन कोचिंग की फ़ीस भी लाखों में होती है फॉर एग्जाम्पल यू पी एस में भी जितना हम पढ़ रहे हैं जो चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं गो टू द मार्केट एंड सी द फीस स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें डेढ़ डेढ़ लाख दो दो लाख रुपए का है जो हम यहाँ पे केवल डबल वन डबल वन में कवर कर रहे हैं द पॉइंट इज द पॉइंट इज बिकॉज ये चीज़ अफोर्डेबल भी होनी चाहिए ये चीज़ अफोर्डेबल भी होनी चाहिए एक्सेसिबल भी होनी चाहिए बट अगेन इसमें क्या डिफिकल्टी आता है इसमें ये डिफिकल्टी आता है कि हमको साथ ही साथ कमिटमेंट लेवल भी दिखाना पड़ेगा डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा टाइम पे होमवर्क भी करना पड़ेगा एंड रेगुलैरिटी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी वन मोर थिंग कोचिंग इज नॉट एसेंशियल दिस इज अथ दिस इज एन अमिथ मैं लिखित रूप में दे रहा हूं दुनिया में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो सेल्फ स्टडी से आप क्लियर नहीं कर पाओगे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो सेल्फ स्टडी से आप क्लियर नहीं कर सकते हो बट सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए होता है कमिटमेंट डेडिकेशन डिसिप्लिन और सिंसियरिटी और ये चीज़ तो आपके अंदर ही होना चाहिए अगर ये चीज़ आप लैप करते हो फिर अगेन दुनिया की कोई भी कोचिंग आपका सलेक्शन नहीं करवा सकती है सो इट्स ऑल यू इट्स ऑल यू स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है वो नाइनटी परसेंट वो खुद स्टूडेंट होता है दस परसेंट ये एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर्स होते हैं इट इज विद इन यू जो आपका सिलेक्शन कराएगा फायर पावर कितनी है आप में ये आपका सिलेक्शन कराएगा तो ऐसा मेकअप भी नहीं बनाना है सम स्टूडेंट्स मैसेज की वो अफोर्ड नहीं कर पाते इट्स परफेक्टली ऑल राइट आप खुद से तो पढ़ सकते हो ना सेल्फ स्टडी कर सकते हो आपके पास एनसीआर बुक्स आपको सारी पता है फ्री में अवेलेबल है एनसीआर टी द हिंदू का न्यूज़पेपर डेली मिलता है तीन रुपए पर डे पड़ता है इसके अलावा सारे रिसोर्सेज न्यूज मीडिया डीडी न्यूज संसद टीवी सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्रॉब्लम क्या है फिर प्रॉब्लम है खुद से बैठ के पढ़ना और एक और माइंडसेट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में बिकॉज सम और न्यू स्टूडेंट्स तो मैं एक बार बता देता हूँ ये माइंड नहीं होना चाहिए वो माइंड होता है पेनी वाइज पाउंड फुलिश ये क्या होता है लाख लाख रुपए कोचिंग में फी देने के लिए दे आर रेडी बट वेन इट कम्स टू फूड वेन इट कम्स टू सेफ्टी वेन इट कम्स टू कम्फर्ट सेल्फ कम्फर्ट वो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने लग जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए खुद को पैम्पर करो अगर आप हैप्पी रहोगे आप अगर हेल्दी रहोगे आप ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करोगे ओके सो कीप दिस इन माइंड पेनी वाइज एंड पाउंडुलिश नहीं होना चाहिए और हेल्थ से भी यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज बाकी पढ़ाई की जो बात होती है तो वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड आप में कितना फायर पावर है वो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन यू हैव गॉट ऑल द एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज ऑल द एक्सपर्ट गाइडेंस अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तो द बॉल इज इन योर कोर्ट सो ये चीज रखना है ऐसा मेंटल ब्लॉक नहीं लगाना है कि हमने कहीं गए नहीं लाखों रुपए नहीं दिए तो हमारा नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है ओके सो दिस इज द हिंदू अगस्त ट्वेंटी एट देन दिस इज अंडर वाटर अंडर वाटर ब्रीच एंड आफ्टर वाटर और एक फोमो नहीं होना चाहिए बहुत सारे जो नए बच्चे आते हैं उनमें फोमो बहुत होता है कम आउट ऑफ दिस फोमो फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट फियर ऑफ मिसिंग आउट जो जैन जी है ना जैन जी क्या होता है टेल दिस फोमो दे शुड नॉट बी एनी फोमो बी कॉन्फिडेंट खुद पे बहुत भरोसा रखो ओके okay? और मेहनत करने के लिए तैयार रहो मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सी अंडर वाटर क्या होता है बीच ब्रीच एंड आफ्टर तो ये बस बिजी बेंगलुरु में वाटर बहुत ज्यादा हो रहा है तो डैम से वाटर रिलीज किया गया और ये जलमग्न हो गया यहाँ बात है कि जो सी हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये जब रिटायर होते हैं तो इनको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक डोमेस्टिक हेल्प भी मिलेगा शॉफर ड्रिवन कार भी होगा सेक्रेटेरियल असिस्टेंट भी मिलेगा पर्सनल सिक्योरिटी बिकॉज अगेन जजेस एट्सेट्रा बहुत सेंसिटिव पोस्ट भी होती है बहुत सारे डिसीजनस भी देने पड़ते हैं so certain benefits यहाँ पे सो सर्टेन दिस बेनिफिट्स यहाँ पे जस्टिफाई किया गया बट अगेन ये बताता है कि ये जो पेंशन पॉलिसी है फॉर एग्जाम्पल आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो मोस्ट ऑफ द चाहे वो स्टेट सर्विस हो या फिर इवन आई एस आई पी एस भी है इसमें पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है जिस दिन आप रिटायर हो गए तो पेंशन का कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं है रिमेंबर दिस इट्स डी डे स्टेज सेट फॉर डिमोलिशन ऑफ ट्विन टावर्स इन नोएडा अगेन दिस टेल्स की रूल ऑफ लॉ जरूरी होता है इलीगल जो बिल्डिंग होती है दे आर अगेन थ्रेट भी होता है अगर वो प्रॉपर प्रोटोकॉल से नहीं बनी है प्लस जो रूल्स हैं ऑर्डर है जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो भी होना चाहिए तो इसी का ये एग्जाम्पल सेट करते हुए यहाँ पे इन ट्विन टावर्स थे जिसको इलीगल बताया था फिर कोर्ट बैटल भी हुआ तो फाइनली आज इसको डिमोलिश कर दिया गया है सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू विंटेज स्टीम रोलर स्टार्ट सेल्फी क्रेज नो सी दिस इज गुड यंगस्टर्स क्लिकिंग अ सेल्फी विद अ विंटेज स्टीम रोलर ऑन द फ्रमाइस ऑफ पटना म्यूजियम अब मैं आप सबको इतना क्यों एनकरेज करता हूं थोड़ा आप बाहर निकलो किताबों से बाहर निकलो म्यूजियम विजिट करो दिल्ली में मैं इतना आप सबको बार बार बोलता हूँ गो टू से प्रधानमंत्री संग्रहालय नेशनल म्यूजियम जाओ कल्चर नेशनल आर्ट एंड साइंस एंड टेक का म्यूजियम जाओ अभी जीआई टेक का एक फेयर लगा हुआ है वहां पर जाओ ये जो 360 डिग्री आप डेवलपमेंट होगा ना ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स केवल किताब किताब नहीं उसको बाहर जाके देखो भी चीज़ों को इंटरेक्ट करो जैसे म्यूजियम्स एटसेट्रा जो भी आपकी सिटी के आसपास है गो एंड विजिट दैट प्लेस यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट जैसे किसने इन्वेंशन किया था टेल मेंस में मैंने आपको इंटर दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ाया था स्टीम इंजन किसने बनाया है टेल स्टार अट्रैक्शन तो डेवलप दिस एटीट्यूड ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना ये होना चाहिए स्टूडेंट में और इंक्वजिटिवेस भी होना चाहिए इनक्यूजनेटिवनेस होना चाहिए प्रो एक्टिवनेस दिस इज क्ले आर्ट अपसी यहाँ पे क्या है गणेश आइडल मेकिंग कॉन्टेक्सट है म्यूजिक एंड डांस विजयवाड़ा ऑन सैटरडे दिस इज सो so गुड तो यहाँ पे दिस आइडल मेकिंग भी सीख रहे हैं एंड दिस पार्टिसिपेट भी हो रहा है दिस इज रियली गुड क्ले आर्ट विक्रांत को अभी रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा एक्चुअली ये बहुत बड़ी शिप्स मशीन्स होती है इनका फाइनली रेडी होने में ईयर्स लग जाते हैं तो अभी इसको टाइम लगेगा फाइनली इसको रेडी होने में ऑल्डो अभी सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर को इसका इंडक्शन हो जाएगा अब एक बात ये भी आ रही है जैसे रिमेंबर ब्लैक जो सी था उसमें रशिया का एक कैरियर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया सो so, आज के टाइम पे ये जो ह्यूज फ्लोटिंग सिटीज हैं कैरियर है क्या इनकी यूटिलिटी है अगेन एक्सपर्ट्स इसमें डिवाइडेड हैं बट अगर हम ट्रेंड देखें तो अभी भी मेजर सी पावर्स नेवल पावर्स ऐसे कैरियर्स बना रही है तो द आइडिया इज अभी भी ये कैरियर्स अभी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है पावर प्रोजेक्शन डीप सी में करने के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती प्रॉपर मैकेनिज्म भी होता है यहाँ पे और ये कैरियर अकेले भी फ्लोट नहीं होते इसका पूरा एक अरमाडा होता है दे फ्लो टूगेदर तो प्रॉपर प्रिवेंशन प्रिकॉशंस भी होते हैं सिंगल ब्रांड टू हेल्प कट फर्टिलाइजर कॉस्ट अब सी फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ रही है फर्टिलाइजर बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कच्चा तेल आता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है और अलग अलग कॉम्पोनेंट्स बनते हैं तो उसी से बनाया जाता है ये फर्टिलाइजर कच्चे तेल की प्राइस बढ़ती है कभी डिलीवरी नहीं हो पाती तो फर्टिलाइजर की कीमत भी बढ़ जाती है अब बिकॉज फर्टिलाइजर मतलब एग्रीकल्चर वेलफेयर एंगल है तो सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है सब्सिडी बट सब्सिडी से क्या होता है गवर्नमेंट का जैसे कल बजटिंग में मैंने आपको बताया काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है हमारा सब्सिडी पे अब बताओ ये सब्सिडी रेकरिंग एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा टेल सब्सिडी सो द आइडिया इज क्यों ना हम वन नेशन वन फर्टिलाइजर जैसी पॉलिसी लाएं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना उर्वरक परियोजना जन उर्वरक परियोजना इसको प्रमोट करने की बात है तो फर्टिलाइजर्स को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश किया जाएगा पूरे देश में फर्टिलाइजर्स को जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है सप्लाई होती है उसको स्ट्रीमलाइन करें ताकि जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स है वो रिड्यूस हो पाए तो ऐसे रशिया सऊदी ग्लोबल शॉर्टेज हो जाता है कई बार फ्यूल या फिर कच्चे तेल की सप्लाई नहीं हुई है तो अग्रीमेंट यहाँ पे होगा ताकि स्टेडी अवेलेबिलिटी बनी रहे देन यहाँ पे सेकेंड चीज जो बताया इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमें कम करना है ताकि साल भर फार्मर्स को फर्टिलाइजर इजिली अवेलेबल हो ब्लैक जो मार्केटिंग होती है या होल्डिंग होती है वो नहीं हो सीमलेस अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर एक और बात होती है जैसे एसेंशियल फर्टिलाइजर हम देखें तो इसमें डायओमोनियम फॉस्फेट म्यूराट ऑफ पोटाश सिंगल सुपर फॉस्फेट इसकी डिमांड ज़्यादा होती है इनकी डिमांड ज़्यादा होती है प्राइस भी इनकी ज़्यादा होती है प्राइस पहले कंट्रोल्ड होता था इंडिया में फर्टिलाइजर का बट 2010 के बाद न्यूट्रियन बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी हमने अपनाया न्यूट्रियन बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी तो प्राइसेस फिक्स्ड होती है फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स की मार्केट डायनामिक्स के अकॉर्डिंग मार्केट डायनामिक्स के अकॉर्डिंग बट कई बार इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है तो फिर सप्लाई चेन डिस्टरप्शन भी होते हैं जियो पोलिटिकल में तो गवर्नमेंट फिर इसको सब्सिडी देती है सब्सिडी देती है कि जैसे हजार रुपए का मिल रहा है गवर्नमेंट पांच सौ रुपए मिला देगी तो एंड कॉस्ट इसकी पाँच सौ ही पड़ेगी ये मैकेनिज्म भी होता है तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ भारत ब्रांड अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर इजर कंपनीज है टाइमली अवेलेबिलिटी होगा सो द आइडिया इज फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी से लेके मार्केट एक्सेस तक मार्केट एन एंड यूजर तक सप्लाई तक ये सब यहाँ पर यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है तो इसको बोला गया है वन नेशन वन फर्टिलाइजर यूज खादी प्रोडक्ट्स डेली से प्राइम मिनिस्टर अब खादी को क्यों प्रमोट करते हैं टेक्सटाइल मतलब जॉब तो खादी को हम प्रमोट करते हैं तो अभी एक खादी फेस्टिवल है फुटब्रिज ब्रिज नेम अटल ब्रिज भी यहाँ पे हुआ साबरमती रिवर कनेक्टिंग ईस्टर्न वेस्टर्न साइड ऑफ सिटी अहमदाबाद में तो दिस इज आजादी का अमृत महोत्सव और खादी के साथ हमारी सेंटिमेंटल वैल्यूज भी हैं गांधी जी खादी प्रमोट करते थे खादी के साथ फ्रीडम मूवमेंट एसोसिएटेड है अभी हमारा अमृत काल चल रहा है 2000 से 247 तक 100 इयर्स हो जाएंगे 75 टू 100 सो द आइडिया इज हम खादी को प्रमोट करें खादी को प्रमोट करें खादी की साड़ी हुआ खादी के शर्ट्स भी अच्छे होते हैं समर्स में सो वी शुड प्रमोट इट इससे स्पिरिट ऑफ रिजायलियंस आएगा स्पिरिट ऑफ रिजायलियंस स्पिरिट ऑफ रिजायलेंस और आर्टिकल फोर्टी आर्टिकल फोर्टी क्या होता है टेल सो द इज हम यहाँ पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं आर्मी पुशेज न्यू टैंक्स एंड आर्मर्ड कैरियर प्रोजेक्ट्स तो ये बी एम पी टू इन्फेंट्री व्हीकल है इन सर्विस आर बीइंग अपग्रेडेड ये वर्ड बताओ इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है और आर्टिलरी का मतलब क्या होता है है ना इन्फेंट्री आर्टिलरी लॉजिस्टिक्स क्या होता है व्हाट आर डीज यूनिट्स डीज यूनिट्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है ई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का भी होता है प्राइमरली एक एक ग्रेनेडियर्स भी होता है बोफोर्स एटसेट्रा ये टैंक्स वगैरह ये किस में आएंगे टेल इन्फेंट्री और आर्टिलरी में क्या डिफरेंस होता है इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी तो यहाँ पर बात है कि इन्फेंट्री व्हीकल्स भी यहाँ पे दे रहे हैं और इसको अपग्रेड किया जा रहा है फ्यूचर टैंक प्रोजेक्ट के अंदर फ्यूचर बिकॉज वॉर में अब स्विफ्टनेस ज्यादा चाहिए कल ही हमने पढ़ा था लाइट वेट डिप्लॉय कर रहे हैं क्योंकि वहां पे टेरेन डिफरेंट है सो so, पुराने व्हीकल्स फेज आउट करने हैं नए हमें यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करने हैं और स्विफ्ट और अजाइल होना चाहिए रशिया के मेड ज्यादातर है, टैंक्स हैं हमारे और अभी रशियन टैंक्स का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था यूक्रेन वॉर में सो अगेन वी नीड टू मॉडिफाई वी नीड टू मॉडिफाई हमारा अर्जुन टैंक है जो अमेंडमेंट किया है अपग्रेड किया है रशियन बेस्ड टेक्नोलॉजी में फर्दर सो द इज अपग्रेड इज रिक्वायर्ड अपग्रेड इज रिक्वायर्ड वेन इट कम्स टू टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स काफी सारे टैंक्स ऐसे डिस्ट्रॉय हुए टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया बाय मिसाइल्स मिसाइल्स तो एंटी टैंक गाइडेड भी इन पे पे इंडिजीनस हम रिप्लेस करेंगे तो 30 एम एम कैन होगा इनमें और दे विल बी लाइक अपग्रेडेड फॉर्म

टैंक फॉर्म ऑफ बैटल को डिस्कार्ड भी किया जा रहा था बोला जा रहा था, बट नो टैंकनास केस अर्जेंटीना अर्जेंटीना की कैपिटल बताइए अर्जेंटीना देन इंडियन मिशन इन श्रीलंका स्लैम्स चाइनीज एंड वॉइस रिमार्क चाइना के साथ पॉलिसी है कि चाइना दिस यूनिटरीली बॉर्डर इश्यूज को चेंज करने की कोशिश करता है प्लस जो हॉस्टिलिटी बॉर्डर में दिखाई है और हम्बन टोटा जैसे डेड ट्रैप में श्रीलंका ने से कैप्चर कर लिया है दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी चाइना का रिसर्च एंड सर्वे वेसल युआन वैंग फाइव अभी हम्बन टोटा कोर्ट में आया था अब श्रीलंका बिकॉज डेड ट्रैप में है तो श्रीलंका ने इसको अलाउ भी कर दिया अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है यहाँ पे अब जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स आए यहाँ पे जो बड़े ऑफेंसिव थे और इस बात पे इंडियन मिशन इन श्रीलंका ने स्लैम किया चाइनीज को एक्चुअली इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में प्रोक्सिमिटी में भी दिस चाइना चाइना वांट्स की श्रीलंका थोड़ा न्यूट्रल रहे चाइना से प्रोक्सिमिटी ज्यादा रहे सो दैट इज वाई सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे पास किए जाते हैं सीजेआई है मिस्टर ललित हैज गॉट बिग प्लान लाइन फॉर हिज शॉर्ट टर्म तो ऑनरेबल जस्टिस यू यू ललित साइनिंग द रजिस्टर आफ्टर स्वेरिंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे तो अभी जो बात है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थ्रू आउट दर बनी रहनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम पांच जजेस होते हैं देन स्कैम्स इंटेलिजेंसी सीक लॉ ऑन क्रिप्टो डील्स क्रिप्टो कल आपको मैंने बजट भी बताया था बजट में क्या लिखा है क्रिप्टो डील्स जो है क्रिप्टो या फिर जो डिजिटल टैक्सेशन है डिजिटल टैक्सेशन है डिजिटल एसेट्स पे उस पर भी टैक्सेशन इंडिया लगाने की बात करता है तो क्रिप्टो में प्रॉब्लम ये होती है कि ये डी रेगुलेटेड है डी रेगुलेटेड है मतलब इसमें एम्बिक्यूटी बहुत ज्यादा है और अप डाउन बहुत ज्यादा होता है सेकेंड प्रॉब्लम यह होता है फ्लक्चुएशन से गलीबल जो इन्वेस्टर्स है उनका लॉस हो सकता है इसमें बात आती है मनी लॉन्ड्रिंग की भी मनी लॉन्ड्रिंग की भी ये पैसा एंटी स्टेट एक्टिविटीज टेररिज्म में भी यूटिलाइज ऐसे जैसे केसेस देखने को मिले सो क्रिप्टो डील्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाने की बात है इंडिया क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है बट ये अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, नॉन बैक बाय एनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है इसको कर्ब करना जरूरी है स्टाफ शॉर्टेज है केंद्रीय विद्यालय में आई एम ऑल्सो फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सो दिस इज करियर एडवांसमेंट ट्रांसफर पॉलिसी लीव प्रिंसिपल्स बिटर टीचिंग वैकेंसी बारह हजार से ज्यादा हो गई है Then, बहुत हो रहे हैं। तो दिस इज सी क्लाइमेट चेंज आगे हम देखते हैं यूरोप पे स्कॉचिंग हीट हो रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रहा है और यहां पे फ्लड आ रहे हैं क्लाइमेट डिजास्टर मिस्टर ट्रम्प यूक्रेन न्यूक्लियर प्लान बैक ऑनलाइन and this is russia un nuclear treaty russia china cooperation in arctic a concern arctic kya hai north mein hota hai arctic south mein hota hai antarctica antarctica ek landmass hai arctic ek bahut sari glaciers ka collection hai arctic अब Arctic because most of the, जो जो कंट्रीज हैं वो भी northern hemisphere में ही है तो आर्कटिक से रूट्स आर्कटिक से रूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए सारे कंट्रीज ट्राई करती है

आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट जो बात है वो है स्टडी न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियस होता है एक न्यूक्लियस जैसे सेल है न्यूक्लियस न्यूक्लियस में सब जीनोम्स वहां पे रहते हैं पूरा डेटा रहता है सारा डीएनए एटसेट्रा का डेटा तो अगर हमें स्टडी करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेलुलर स्ट्रक्चर को तो हम उसको जीनोम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं अब पहले एक स्टडी ये होता था यूजुअल वे ये होता था कि न्यूक्लियस को बाहर निकालें और फिर उसको डीएनए बायोकेमिकली उसको रिमूव करें और फिर टेस्टिंग करें न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है एनालॉगस टू बिल्डिंग फॉर्म ऑल मूवेबल्स हैव बीन सक्ड आउट उसको बाहर निकाला एंड देन उसको स्टडी किया तो ये काइंड ऑफ एक्स हो गया कंजर्वेशन में हम बढ़ते हैं एक्ससी अब एक नया तरीका आ रहा है इन मतलब एम्ब्रियो से न्यूक्लियस वगैरह नहीं निकालना है हमको वहीं पे उसका न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रिपरेशन होगा और हम उसको स्टडी करेंगे सो दिस विल बी इन सी टू इन सी टू तो इससे बेटर स्टडी हो पाएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा डिफ्रेंशिएशन ईजी कर पाएंगे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो ये जेनेटिकल स्टडी में हेल्प करेगा दिस इज दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे जो कवरेज द हिंदू का होता है ना ये एट टाइम्स बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है सिलेबस में बहुत ज़्यादा ये ओवरलैप भी नहीं करता है प्लस कुछ चीज़ें होती है वो बेस्ड ऑन सच रिपोर्ट्स होती है वो न्यूज़ सेटल्ड नहीं होती स्पेशली डिसीजेज रिलेटेड कोविड नाइन्टीन एटसेट्रा तो द आइडिया इज हमको एक रफ आइडिया होना चाहिए इसको इन डेप्थ अगर हमें देखना है तो वो तब देखना चाहिए जब न्यूज़ सेटल हो जाए अदरवाइज बहुत रिपीटेशन होता है वेस्टेज ऑफ टाइम भी बहुत होता है अब जैसे ये है डिकोडिंग मॉस्किटोज सेंस ऑफ स्मेल अब मॉस्किटोज आप देखो जैसे कुछ पीपल से कि मॉस्किटोज बाइट उनको ज्यादा होता है बिकॉज मॉस्किटो ब्लड को स्मेल कर लेते हैं ह्यूमन ऑर्डर को स्मेल कर लेते हैं आर्टिकल में प्राइमरली यही लिखा है जैसे एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज है क्यूलेक्स मॉस्किटो है एनोफिलस है ये जो मॉस्किटोज हैं जैसे डेंगी के हुए मलेरिया वेस्ट नाइल फीवर एटसेट्रा हुआ दे कैन डिटेक्ट स्मेल 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 को ये डिटेक्ट कर सकते हैं तो मॉस्किटोज हैव बैकअप्स इन देयर ऑलफैक्टरी ऑलफैक्टरी सिस्टम मतलब रिलेटेड टू स्मेल ऑलफैक्टरी तो ये ह्यूमन सेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर दैट इज वाई सम पीपल जो होते हैं उनको बहुत दिस मॉस्किटो बाइट भी होता है दिस इज देयर बिकॉज मॉस्किटो के पास ऑलफैक्टरी सिस्टम है मंकी पॉक्स के केसेस राइज हो रहे हैं अभी एक मंकी पॉक्स और टोमेटो दिस uh, हो रहा है पॉक्स तो द आइडिया इज इसमें भी अभी ये इवॉल्विंग है मंकी पॉक्स को ऑल दो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है इंडिया में कुछ केसेस भी इसके दिए हैं अगेन दिस इज दिस इज नॉट द टाइम टू पैनिक प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन यहाँ पे हमें देखना चाहिए देन ये स्नैपशॉट है रिटर्न टू मून अपोलो मिशन था एक और अपोलो मिशन से हम मून पे गए थे नेम द पर्सन जिन्होंने मून पे लैंडिंग किया था एस्ट्रोनॉट्स का नाम बताइए जिन्होंने मून पे लैंडिंग किया था नेम द इंडियन पर्सन इंडियन फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन है फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इंडिया के कौन है जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे एस्ट्रोनॉट और मून पे लैंडिंग वाले भी आप बताओ कौन है वो एस्ट्रोनॉट और ओवरऑल स्पेस में पहली बार कौन एस्ट्रोनॉट गया था रशिया उनका नाम भी बताइए तीन सवाल है अब अपोलो मिशन हुआ मून लैंडिंग अकॉर्डिंग टू नासा ये हुआ था बट इतने टाइम बाद ये रिपीट नहीं हुआ बिकॉज एक तो कॉस्ट बहुत होती है मून मिशन का सो द आइडिया इज अभी फिर से प्रिपरेशन है हम अपना एडवांसमेंट कर रहे हैं जैसे ओरियन कैप्सूल है नासा का एस्ट्रोनॉट्स को ये मून पे ट्रांसपोर्ट कर पाएगा इन फ्यूचर ये एच एस वी वन वायरस है एक पुराना दिस एशियंट ह्यूमन टीथ में ये एक वायरस देखने को मिला ये कोल्ड सोर वायरस था

इनको बोला जाता था कोई इल इफेक्ट नहीं है बट रिसर्चर्स ने ये देखा है कि एट टाइम्स ये ब्लड शुगर लेवल को भी इम्पैक्ट दे सकते हैं नॉट बेनाइ ये दो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं एक होता है शुगर एक होता है सॉल्ट इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ ये शुगर और सॉल्ट का कॉन्टेंट कम करिए ये अपने फूड इनटेक में कम करिए ये ईट राइट कैंपेन के अंदर बताया गया है ईट राइट कैंपेन थोड़ा कम नमक और दिस शुगर शुगर शुगर, को, शुगर शुगर को शुगर बोलते हैं हिंदी में शुगर सो नॉट बिनाइन शुगर जो है नमक और शुगर को कम करे नमक और शुगर को कम करे ओके शुगर को शक्कर बोलते हैं हिंदी में सो नॉट बिनाइन इनोवेशन अब सेकेंड चीज ये होता है एंटीबायोटिक्स हम इंडियंस की एक हैबिट है बीमार होते हैं तुरंत एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं जबकि एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे होनी चाहिए इवन डॉक्टर्स को भी जस्ट लाइक दैट हम एंटीबायोटिक्स का जो यूजेज है वो थोड़ा हमें कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए वाई बिकॉज देर विल कम अ टाइम कि ये जो बैक्टीरियज बैक्टीरियाज हैं ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएंगे अगर हम जस्ट लाइक दैट एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे उससे क्या होगा हमें फिर और पावरफुल एंटीबायोटिक्स चाहिए और पावरफुल एंटीबायोटिक्स चाहिए बिकॉज बैक्टीरियाज ड्रग रेजिस्टेंट हो गए और फिर देर विल कम अ टाइम जब बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स वर्क करेगी ही नहीं सो वी शुड बी केयरफुल यही बात नोबल लेक्चर एलेग्जेंडर फ्लैमिंग ने भी कहा था जिनको प्राइज़ मिला था अवार्ड मिला था प्राइज मिला था डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। तो इधर से एंटीबायोटिक्स की शुरुआत हुई बट जिसने शुरुआत की उसने भी दिस फ्लैमिंग ने अलेक्जेंडर फ्लैमिंग सर अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने वॉर्न किया था द टाइम में कम वेन पेनिसिलिन कैन बी बॉट बाय एनी वन इन द शॉप्स

सजा में एक टर्म होता है दिस डिटेरेंस का ये तीन चीजें हमेशा होनी चाहिए बट एट टाइम्स कुछ केसेस में इंडिया में पार्डन पावर भी दिया गया है पार्डन पावर पार्डन पावर मतलब जिसे कॉन्विक्ट का अगर कंडक्ट करेक्ट है या फिर कुछ सर्टेन कंडीशन है तो पार्डनिंग पावर होती है पार्डनिंग पावर आप बताओ प्रेसिडेंट की कितनी पार्डनिंग पावर है और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर की पार्डनिंग पावर हमने पढ़ा ना रेमिजन रेस्पाइट मर्सी एटसेट्रा पार्डन पार्डनिंग पावर पार्डनिंग पावर अब सी रेमिशन में क्या होता है कि जैसे 10-12-15 साल की सजा थी उसको कट शॉर्ट कर दिया उसको से पांच साल कर दिया और उसको रिलीज कर दिया अब अगेन बात यह उठ रही है कि क्या इसमें जस्टिस डिलीवर हुआ बिकॉज सम क्राइम्स आर हीनस क्राइम हीनस क्राइम तो क्या वहां पे अगर जल्दी छोड़ेंगे तो जस्टिस डिलीवर्ड होगा प्लस रिफॉर्म हुआ या नहीं हुआ प्लस एक क्रेडिबल डेटरेंस होगा या नहीं होगा बिकॉज हेनस क्राइम में एक क्रेडिबल डेटरेंस होना चाहिए लोगों को डर लगना चाहिए कि ये क्राइम की बहुत सख्त से सख्त सजा आपको मिलती है सो दिस दिस इज यहाँ पे जो बात है सेकेंड जो बात है यहाँ पे वो ये है कि अगर सी बी आई इन्वेस्टिगेशन है या फिर सेंट्रल के लॉज वहां पर हैं तो गवर्नर को गवर्नर स्टेट लेवल पे रेमिशन के पहले आपको सेंट्रल से भी परमिशन लेना पड़ता है तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग और जो कॉमिटी होती है रेमेजन में वो भी एक्सपर्ट कॉमिटी होने की जरूरत होती है तो ये यहाँ पे अगेन बात हो रहा है कि ये जो तीन पिलर्स है जस्टिस सेकेंड इज डेटरेंस एंड थर्ड इज रिफॉर्म ये चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए इज दर क्लैरिटी ऑन पैगस मेलवे रिपोर्ट तो सी रिपोर्ट में बस ये कहा है कि पैगस एज सच डिटेक्ट नहीं हुआ बट देर वर सम मेलवे इस चीज में जो मैंने आपको कल बताया था पुट्टा स्वामी केस इज इंपॉर्टेंट वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट स्टेट सर्वेलेंस ये एनडीटीवी प्लान है इसमें भी लेटेस्ट वेट एंड वॉच अभी बहुत सारी बातें आएंगी यहाँ पे लेटेस्ट वेट एंड वॉच इसको सेटल होने देते हैं देन वॉट आर द क्लेम्स ऑफ ट्विटल विसल ब्लोवर विसल ब्लोवर क्या होते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है तो विसिल ब्लोवर उसके बारे में सबको अवेयर कर रहा है अलर्ट कर रहा है तो वो विसिल ब्लोवर हो गया तो ट्विटर में ही ट्विटर के एम्प्लॉज जो क्लोजली ट्विटर ऑपरेशन देखते हैं उन्होंने विसिल ब्लोवर का काम किया एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा जो बॉट्स भी होते हैं बॉट्स भी होते हैं आर नॉट ह्यूमन बींग जस्ट नंबर्स बॉट नंबर क्वान्टिटी नंबर्स को बढ़ाने के लिए देन ईसीबी नीड्स बिग रेट इंक्रीज इन सेप्टेंबर योरजोन रेसेशन ट्रस्ट इन प्राइवेट सेक्टर इज की टू कंट्रीज ग्रोथ सी गवर्नमेंट सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर भी जरूरी है बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाई करें अब देखो गडकरी साहब ने क्या बताया डायवर्सिफाई करें एग्री टूवर्ड्स पावर एनर्जी सेक्टर दिस इज द टाइम फॉर डाइवर्सिफिकेशन टाटा मोटर्स अब एस यू वीज में आ रहा है ग्रीन पुश है इंडिया हैज दिस मेमोरी आज मैच है इंडिया का और ये है यूरोप का न्यूज अब सी ये नेविगेशन हो रहा है राइन रिवर पे राइन रिवर है जर्मनी की बट देखो पानी कितना कम हो गया तो ये यहाँ पर जो कंटेनर शिप्स है वो ट्रेवल ही नहीं कर पा रही है और पानी कम क्यों हो रहा है बिकॉज यूरोप बिटर समर हो रहा है यूरोप में बारिश कम हुआ और स्कॉचिंग हीट होने के कारण मोस्ट ऑफ द जो यूरोप जो हमेशा विंटर्स जैसी सिचुएशन रहती थी अभी यहाँ पे बड़ा गर्मी हो रहा है तो दैट दिस इज अगेन कॉज ऑफ वरी क्लाइमेट चेंज जैसे सनफ्लावर का फील्ड देखो मेज एंड सोयाबीन अफेक्ट हो गया यहाँ पे जैसे ग्रेप्स है ग्रेप्स का कल्टीवेशन कहलाता है ये ये जो मेडिटेरेनियन जोन है है सिट्रस फ्रूट के लिए बहुत जरूरी है। आप बताओ मेडिटेरेनियन जोन में ही क्या केवल दिस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है या फिर वर्ल्ड में किसी और जगह पर भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है तो यहाँ सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं सिट्रस फ्रूट्स अगेन इम्पैक्ट हुआ है देन वॉटर रिसीड हो रहा है तो अगेन डिफिकल्टी है वॉटर शॉर्टेज की है फॉरेस्ट फॉयर बढ़ रहा है अभी सूखा पड़ गया है अगेन रशिया से, से क्राइसिस भी चल रहा है और अगेन कोल सप्लाईज एक्सेट्रा कम है तो यूरोप अब फिर से कोल बेस्ड प्लांट्स की तरफ भी मूव कर रहा है तो इससे क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी अगेन एग्जर्बेट ही होगा सो दीज आर द थिंग्स अब एनर्जी सेक्टर में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिकिटी नहीं हो पाएगी कोल का इंपोर्ट डिफिकल्ट हो रहा है कोल प्रोडक्शन बेस्ड प्लांट्स हो जाएंगे गैस इंपोर्ट डिफिकल्ट हो रहा है सो so यूरोप जो है यहाँ पे डिफिकल्टी में है क्रॉप इल्स मेज सोयाबीन सनफ्लावर भी हिट हुआ है सी पानी का लेवल बहुत कम हो गया है वाटर शॉर्टेज है और डस्ट जैसे स्टॉम्स बाउल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं लो लेवल है रिजर्वयर हो गया है ड्रेज अप मेमोरीज है सी स्विट्जरलैंड दिस इज स्विट्जरलैंड हिस्ट्री ब्रिम्स सो दिस इज स्कॉचिंग योरप्स बेटर समर तो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर द हिंदू नाउ लेटेस्ट क्विकली है लुक एट योर सबमिशन ट्वेंटी टू इसके पहले अब एक ऐसे दिया है यू विल अच्छा है इसको शॉर्ट बाय ओल करते हैं अब देखो बहुत अच्छे आंसर आप लिख रहे हो सी अगेन आपको सारी चीजें पता है सारी प्लानिंग है आपके पास अब उसको लिखना होता है एग्जीक्यूट करना पड़ता है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व पे हमें एक नोट बनाना था बिकॉज ये बहुत न्यूज पे बना हुआ है तो वॉट वी आर ट्राइंग टू डू एक सवाल लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से कंसोलिडेट सेल्फ नोट्स बना लेते हैं इससे वो सवाल भी तैयार हो गया टॉपिक भी तैयार हो गया राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई और एक कंसोलिडेशन हो गया ठहराव आया विच इज रिक्वायर्ड अब जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी हम सात महीने से डेली इसके बारे में बात कर रहे हैं बट जब अपने आप आंसर लिखे तो आपने रियलाइज किया कि मैं क्यों लिखने के लिए बोलता हूँ बातें जानना अलग चीज होती है उसको लिखना फॉर्मल राइटिंग में पेन एंड पेपर में लिखना इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग बिकॉज आपका एवेल्युएशन इसी बेसिस पे होगा इट डजेंट मैटर कितने वीडियोज देखे हैं कितनी सारी नॉलेज है आपको जो इस ए फोर साइज के पेपर में लिखा है बस वही आपका आइडेंटिटी कार्ड है आपको नंबर इसी के बेसिस पे मिलेंगे रत्ना प्रिया दिस इज अगेन गुड आप बहुत अच्छा लिख रहे हो एंड सी द इम्प्रूवमेंट आई एम सो हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस दिस इज रियली रियली गुड आप बहुत अच्छे से कर रहे हो क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत अच्छी है आपकी वेरी गुड इसको क्विट नहीं करना है कॉन्टिन्यू करना है बहुत अच्छे आपके रिजल्ट आने वाले हैं पूजा दिस इज अगेन रियली गुड वेरी गुड हैंड राइटिंग अब सी मैपिंग प्रैक्टिस भी हो गया तो लाइक like, हम एक काम करते हैं उसमें मल्टीपल चीजों को कवर कर लेते हैं आप वेरी गुड वे फॉरवर्ड हो गया वेरी नाइस अमनदीप नवसी दिस इज सो गुड लाइन अंडरलाइन सब अच्छे से दिया है डेटा हम अपना कंटेंट को एनरिच करें आप एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दिया करो और एडिशनल जो चीजें आती है उसको बाद में लिखो एंड यू शुड ऑल गो थ्रू ऑल द सबिशंस इन सारे सबमिशन्स को देखो हर कॉपी में आपको कुछ बहुत अच्छी चीजें मिलेगी लर्न इसी को पीयर लर्निंग बोलते हैं पीयर लर्निंग होता है जी दिस मैप कितना अच्छा मैप है दिस इज रियली गुड मैपिंग प्रैक्टिस भी हो गया राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गया एवरी थिंग इज फाइन गुड अब सी कौशिक का कॉपी देखो कितना साफ कॉपी है इसको पढ़ने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आ रहा है चाहे वो मैप हो अंडरलाइन हो राइटिंग हो स्पेसिंग हो वाई कंट यू ऑल्सो डू दिस डू दिस आशा अगेन रियली गुड वेरी नीट एंड क्लीन वर्क वेरी सिस्टमेटिक एंड सो डिसिप्लिन कितना मेहनत से सारा अच्छे से अब ये स्टाइल कितना अच्छा है आप भी बनो ऐसा वेरी गुड तो ये चीज हमें करना है प्रोएक्टिव रहो शुभम वेरी गुड कंटेंट वेरी गुड आंसर वंस अगेन क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी हेडिंग सब हेडिंग्स में बताया पे मैप वर्क ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए मैपिंग भी हमें साइमल्टेनियसली बनाना है वेरी गुड अब फॉरेक्स रिजर्व में भी लेटेस्ट हमें एक व्यू पॉइंट डालना है आज की डेट में क्या चैलेंजेस है मुझे हमें लगेन सो गुड अब सी अब आप अपनी पुरानी कॉपी देखो और ये कॉपी देखो यू विल सी द डिफरेंस हैंडराइटिंग में आई कैन सी क्लियर डिफरेंस क्लियर इम्प्रूवमेंट वेरी गुड दिस इज रियली गुड देन अदिति दिस इज अगेन गुड सो गुड इतना अच्छा कॉपी होता है अदिति का दिस इज रियली गुड मैप इज लाइक एक्स्ट्रॉर्डनरी वेरी गुड दिस इज अ रियली गुड मैप वेल डन हेडिंग सब हेडिंग पूरा अच्छे से टॉपिक तैयार हो गया दमन दमन कॉपी इज ऑल्सो रियली रियली नाइस ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस है ना देन गोल्ड रिजर्व क्या होते हैं आरबीआई इनिशियेटिव हिंदी में भी आप आंसर लिखो यहाँ मार्जिन बनाओ यहाँ पे मार्जिन बनाओ मार्जिन बनाने से कॉपी थोड़ी और नीट एंड क्लीन आपकी लगेगी नेहा अगेन दिस इज रियली गुड वेरी एंड वेरी हार्ड वर्किंग दिस इज रियली रियली गुड वे फॉरवर्ड तो एक स्ट्रक्चरिंग पता लग गई हमें एक आंसर लिखने की अभी आप मेंस का कॉपी देखना मेंस पेपर को आपको सारी चीजें बड़ी आसान नजर आएगी वहां पर नंदिनी अगेन रियली गुड आई एम सो हैप्पी आपके आंसर्स बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं रियली गुड मैप वर्क भी अच्छा है बस आप इसको कंटिन्यू करो और जैसे जैसे आपका एनरिचमेंट होगा नॉलेज का भी बेटर and बेटर बेटर and बेटर अरजिंदर दिस इज गुड वेरी गुड कॉपी सी दिस इज सो गुड यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल आई एम वेरी हैप्पी अपर्णा दिस इज गुड अब देखो अपर्णा की कॉपी में साफ साफ कितना लिखा हुआ है एक भी शब्द पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं आ रही यही चीज एक्सपेक्टेड है ज्यादा कंजूसी नहीं करना चाहिए लिखने में आराम से पूरा स्पेस लेके लिखो ये कितना अच्छा कॉपी है सब क्लियर कट पढ़ने में आ रहा है साफ सुथरा है दिस इज गुड जितना आसान आप कॉपी चेक करने वाले का काम बनाओगे ना वो उतना ही आपको रिवॉर्ड करेगा अच्छे नंबर देगा दिस इज सो गुड मैप इज गुड वेरी गुड अपर्णा यू आर डूइंग रियली रियली वेल देन नेहा दिस इज अगेन गुड मैप शुरू में बनाया वेरी गुड आपका भी बहुत एनरिच्ड होता है एंड जो प्रोसेस है अप्रोच है वो बहुत मेच्योर है दिस इज रियली गुड वेरी गुड आंसर देन सत्यर सी हिंदी में कितना अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पे सी हिंदी में लिखो रीजनल लैंग्वेज में लिखो बस लिखो आगे की राह वेरी गुड कीर्ति की कॉपी भी बहुत अच्छी ये स्टाइल सीखो ये बड़ा अच्छा स्टाइल है दिस इज गुड वेरी गुड राम नरेश यू आर अगेन वेरी गुड बहुत अच्छे से सर वेरी एक्सटेंसिव वेरी एग्जॉस्टिव आंसर वेरी नाइस आरती वेरी गुड दिस इज रियली गुड टू द पॉइंट है Crisp and precise आशीर्वाद दिस इज अगेन वेरी एग्जॉस्टिव सी बहुत अच्छे से सारा चीज यहाँ पे कवर कर लिया फॉर एक्स अभी लास्ट में हमेशा एक कॉन्क्लूजन होना चाहिए लेटेस्ट जो न्यूज है उसकी एक लेयर डालो इससे क्या होगा ये पता चलेगा आप आज की डेट में अवेयर हो क्या पूछा गया देन सतेंद्र दिस इज अगेन रियली गुड आप बहुत अच्छा कर रहे हो दिस इज वेरी गुड और ये चीज अब रिवाइज भी करना है रिवाइज भी करना है ना सुरभि सबमिट योर आंसर कॉपी प्रियंका अगेन वेरी गुड वेरी एग्जॉस्टिव वेरी टू द पॉइंट रियल एग्जाम में कुछ इसी तरीके से आप लिखने वाले हो दिस इज रियली रियली गुड वेरी गुड वे फॉरवर्ड नेहा दिस इज अगेन गुड वेरी गुड दिस इज वे फॉरवर्ड इन इंडिया मैप मैप होना जरूरी है फॉरेक्स रिजर्व में भी कुछ चार्ट्स बनाओ मोनोटोनस नहीं लगेगा इससे और स्पेसिंग भी प्रॉपर यूटिलाइज हो पाएगा वेरी गुड मुस्कान दिस इज अगेन रियली गुड यू आर अगेन डूइंग अ रियली गुड वर्क अमेजिंग दिस इज वेरी नाइस मैप मैप इज सो गुड 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 वेरी ब्लैक सी का मैपिंग बहुत जरूरी है ब्लैक सी के सारे सीज स्ट्रेट सब हमें अच्छे से पता होने चाहिए ओके सो यू शुड ऑल राइट राइट करो राइट करने से आपको पढ़ाई टू एक्स हो जाएगी बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीजें ऑन ट्रैक रहेगी ओके सो दिस इज ट्वेंटी एट्थ ऑफ ट्वेंटी एट्थ ऑफ ऑगस्ट ऑल राइट So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.